नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला चित्र आप देखिए, ये है टॉक्सिन से भरा हुआ फेफड़ा। इस पूरे फेफड़े में टार भरा हुआ है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके फेफड़े बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। अब आप ये दूसरा चित्र देखिए, ये है बिल्कुल स्वस्थ फेफड़ा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप लंबे समय से सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं, जिसके कारण से आपके फेफड़ों के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो आज के इस वीडियो में ऐसे तरीके आपको बताऊंगा, ऐसी होम्योपैथिक दवाई आपको बताऊंगा, जिससे आप 30 दिन के अंदर अंदर अपने फेफड़े को बिल्कुल साफ कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर ये काले रंग का टार जमा हो जाता है। ये टार फेफड़े में मौजूद इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने वाले बालों के ऊपर जम जाता है। इस टार में मौजूद केमिकल्स कैंसर का कारण बनते हैं। दूसरा, सिगरेट के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती है। इससे जल्दी जल्दी आदमी थकने लगता है, कमजोरी आने लगती है और फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी पैदा होने लगती है। नंबर 3, ऑक्सीडेंट गैसें। ये गैसें ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती हैं और खून को बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना देती हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने के खतरे बढ़ जाते हैं। नंबर 4, सिगरेट के धुएं में मौजूद बेंजीन शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है और कई तरह के कैंसर का कारण बनता है। तो इसलिए दोस्तों, अपने फेफड़ों की सफाई करना बेहद आवश्यक है। तो सिगरेट पीने वाले अगर अपने फेफड़ों को साफ करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्हें सिगरेट को छोड़ना होगा। अगर वो सिगरेट को बंद नहीं करते हैं तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे उनके फेफड़े बिल्कुल साफ हो जाएं। वो डैमेज होते ही रहेंगे, आप चाहे जो भी कर लें, क्योंकि जो सिगरेट के रूप में डैमेजिंग फोर्स है उसे तो आप ले ही रहे हैं। तो डैमेजिंग फोर्स अपना काम कर रही है, ऐसे में आप कोई भी दवाई ले लें वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आप सिगरेट को बंद कर देते हैं तो आपके फेफड़ों के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी सफाई खुद कर सकता है। हमें केवल इस प्रक्रिया में फेफड़ों की मदद करनी है जिससे वो अपनी सफाई को खुद कर सकें। फेफड़े के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो स्मोकिंग के कारण जो भी गंदगी फेफड़ों में जमा हुई है उसको खुद ब खुद साफ कर देते हैं। फेफड़े के इस प्रोसेस को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको सिगरेट छोड़नी है। सिगरेट छोड़ने का पक्का इरादा करें, लेकिन फिर भी अगर आप सिगरेट को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो होम्योपैथी की एक दवाई है, जर्मन कंपनी डॉक्टर रेगवेक इसे बनाती है, R77। इसका चित्र भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस दवाई की 10-10 बूंदे दिन में 3 बार लेना शुरू करें तो इससे आपकी सिगरेट और बीड़ी पीने की लत छूट जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब तक आप अपने मन को मजबूत नहीं करेंगे, अपने मन में सिगरेट छोड़ने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक सिगरेट नहीं छूटेगी। नंबर 2 जो काम आपको करना है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिन्हें हम कार्डियो एक्सरसाइज भी कहते हैं। वे एक्सरसाइज जिसमें आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है, यानी कि आपकी सांस लेने की गति बढ़ती है, जैसे रनिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, इन सभी एक्सरसाइज से आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है। दोस्तों, ये सब काम करके हम अपने फेफड़ों की मदद कर रहे हैं सफाई करने में। नंबर 3, आपको दिन में बहुत सारा पानी पीना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, अगर आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। अगर आपका वेट 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार पानी पीते हैं तो इससे हमारे फेफड़ों को डिटॉक्स करने में बेहद मदद मिलती है। नंबर 4, आपको खूब सारे सलाद और फल रोज़ाना खाने चाहिए। दोस्तों, जब हम रोज़ाना बहुत सारे सलाद और बहुत सारे फलों का सेवन करते हैं तो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करती है। और नंबर 5, पांचवा काम जो आपको करना है, होम्योपैथी की एक दवाई जिसे हम फेफड़े का टॉनिक भी कहते हैं, इसका नाम है एस्पेडियोस्पर्मा मदर टिंचर। इस दवाई का लगातार 30 दिन तक सेवन करें। ये दवाई आपके फेफड़े के टॉनिक के रूप में काम करती है। तो जो सिगरेट पीने वाले आदमी हैं, जब वो सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दें, सिगरेट छोड़ने के लिए वो R77 का प्रयोग कर सकते हैं। सिगरेट छोड़ने के बाद में 1 महीना के लिए होम्योपैथिक फेफड़ों का टॉनिक एस्पेडियोस्पर्मा का प्रयोग जरूर करें। ये आपके फेफड़ों को डिटॉक्स करने में काफ़ी मदद करेगा। इसकी 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार पीना है।
दोस्तों इस प्रकार आप एक महीने के अंदर अंदर अपने फेफड़ों की पूरी तरह से सफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस एक महीने में वे दिन इंक्लूड नहीं है जब आप R77 के माध्यम से अपनी सिगरेट छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जिस दिन से आपकी सिगरेट छूट जाती है उस दिन के बाद में अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे और होम्योपैथिक दवाई एस्पेडियोस परमा का एक महीने तक सेवन करोगे तो 100% आपके फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप अपने किसी टॉपिक पर हमारा वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं, हम उसी टॉपिक पर अपना वीडियो बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको मेरा नमस्कार।